हे नमस्कार दोस्तों, अगर आपका फोन कहीं खो जाता है या आपका फोन कोई चोरी भी कर लेता है तो आप गूगल की एक एप्लीकेशन की मदद से आप उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों यहां पे फाइंड माई डिवाइस गूगल प्ले स्टोर में आपको लिख देना है और यहां पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेनी है, उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप वहां पे जो फोन खोया गया है या चोरी हो गया है उस पे मैसेज भी कर सकते हो, सारा डेटा आपका इरेज कर सकते हो और साथ ही साथ में उसकी लोकेशन का भी पता कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फाइंड माई डिवाइस को कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ में मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी टाइम गवाए हम अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और दोस्तों फाइंड माई डिवाइस को लिख के यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ जाएगी, गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करना है आपको जीमेल आईडी से, अपने फ़ोन में आप जो यूज़ करते हो वही आईडी से आपको लॉगिन करना है। मल्टीपल आईडी यहाँ पे आप रखोगे तो शो भी करेगी, तो दोस्तों आपको वही आईडी डालनी है जिसको आप रेगुलरली अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं इस आईडी से कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड वही डालना है जो आप ईमेल आईडी में डालते हो। दोस्तों जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ये मेरे फोन का मॉडल नंबर है, नीचे मेरी बैटरी है और यहाँ पे दोस्तों मेरा जो नेटवर्क में इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ वो दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मैं बारी बारी आपको सारी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्ले साउंड की बात करें, जो फोन खोया गया है उस पे आप साउंड आवाज लगा सकते हो। कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका फोन घर में ही गुम हो गया है तो दूसरे के फोन में आप यही ईमेल आईडी डालोगे, तो यहाँ पे प्ले साउंड पे क्लिक करोगे, तो आपका फोन जहाँ कहीं होगा वहाँ पे ये साउंड प्ले करेगा, तो आपको आसानी रहेगी ढूंढने में। तो दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो सिक्योर डिवाइस, तो ये क्या काम करता है, अगर मान लो कि आपका फोन कहीं गुम गया है या चोरी हो गया है तो यहाँ पे आप जाओगे, दूसरे के डिवाइस में आपको जाना है और जो उसी फोन में आपने ईमेल आईडी डाली है इसी फोन में आपको ईमेल आईडी डालनी है और सिक्योर डिवाइस में आपको चले जाना है। यहाँ पे जाओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखना चाहो वो लिख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्लीज रिटर्न माय फोन, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो उस पर मुझे कॉल करके मेरा फोन मुझे वापस दे दो। तो दोस्तों आप अपने खोए हुए फोन के डिस्प्ले पे ये मैसेज भेज सकते हो और सामने वाले वो पढ़ भी सकते है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम समझते हैं, इरेज डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इरेज डिवाइस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे ही फोन में मैंने ओपन किया है तो ये नहीं आ रहा है, मगर दूसरे के फोन में आप जब ओपन करोगे तो इरेज डिवाइस यहाँ पे शो करेगा और जब भी आप इरेज डिवाइस पे क्लिक करोगे तो सामने वाला आपका कोई डेटा पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। जब आप यहाँ पे इरेज डिवाइस करोगे वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें फॉर्मेट हो जाएगी, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो लॉक स्क्रीन पे आप मैसेज भी भेज सकते हो, उसके साथ साथ आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो और उसकी जहाँ पे जो फ़ोन है उसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये एप्लीकेशन है, तो आप सभी के फ़ोन में ये जरूर से होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इस तरीके से आप उसे ढूंढ सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, साथ ही साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।